जमाने वापस लो होटल व्यवहार नहीं चलेगा। केजरीवाल राजेंद्र सोनी जी, आज का प्रोटेस्ट किस लिए? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का शोषण कर रही है, क्योंकि आज ये स्थिति हो गई है। आप मोटर व्हीकल कानून का नाम है लागू हो गया। अब हम ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, ये गरीब आदमी जो है ये कितना जुर्माना कहाँ से देंगे? आज ये स्थिति हो गई, रोटी नहीं है इनके पास खाने के लिए, इनके बिजनेस सारे खत्म हो गए, और फिर केजरीवाल जी से क्या जरूरत थी मोटर व्हीकल को कानून लागू करने के लिए दिल्ली के अंदर? सवाल हम ये खड़ा कर रहे हैं, तीन राज्यों ने नहीं करा, बंगाल ने नहीं करा, एमपी ने नहीं करा, और उसका राजस्थान ने नहीं करा। और दूसरा मुद्दा हमारा बहुत भयंकर है भाई, फीसें तो सबकी बढ़ी थी ना आपने केजरीवाल जी, ये क्या ड्रामेबाजी रचा दी दिल्ली के अंदर? टैक्सी वालों को अलग कर दिया आपने, टैक्सी वालों की क्यों नहीं फीसें कम करी? फिर आपने डिमसिन की क्यों नहीं खत्म करी? 2016 के अंदर क्लियर कट ऑर्डर थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऑटो रिक्शा से जीपीएस खत्म हो गए थे। आप 3 साल से आप पैसा गैर कानूनी तौर से डिम्स कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हो, फायदा पहुंचाने करोड़ों रुपए हमारे लोगों से ले लिया आपने, आलन पालन में आप ये कह रहे हो क्या नाम है, मैंने डिम्स खत्म कर दी और सिमो के पैसे सरकार देगी। एक ऑटो वाले से 1350 रुपए सरकार डिम्स कंपनी ले दी थी, ठीक है सर, अब सरकार 600 रुपए महीने साल के डिम्स कंपनी को पे करेगी। 1350 रुपए जो आप ऑटो वालों से ले रहे थे, आधा पैसा कहाँ जा रहा था वो? ये घपला नहीं है तो और क्या है? लेकिन सर ये तो फिर इसके लिए अगर जुर्माने बढ़े हैं तो इसके लिए तो केंद्र सरकार के खिलाफ होना, केंद्र सरकार के भी खिलाफ बोला, हम तो सारे मुद्दे रख रहे हैं ना आपके चैनल पे, हम केंद्र सरकार को भी कह रहे हैं, दिल्ली सरकार को भी कह रहे हैं। अब जब 2000 क्या नाम है 16 के अंदर ये था सारा का सारा, आपने फटाफट तो ये उसको इंप्लीमेंट नहीं करा, आपने मोटर व्हीकल इंप्लीमेंट क्यों कर दिया जी, ये बताओ ना। अभी कल की खबर है ये दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ चलानों में रियायत बरती जाएगी, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो हमारा लक्ष्य है, केजरीवाल जी को हम खुले चैलेंज के साथ कह रहे हैं, ये भेदभाव की राजनीति नहीं करे, ये ट्रेड हमारी इकट्ठी है, ऑटो रिक्शा वाले टैक्सी वाले हम एकजुट हैं। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसी घटिया राजनीति ये सरकार कर रही है, फूट डालो राज करो, ये नहीं चलेगा केजरीवाल जी। अब हमारा ये लक्ष्य है, आपने किराए बढ़ाए ऑटो रिक्शा हुए, ठीक है सर, प्रीपेड बूथ पे लागू नहीं हुए है, उसके बाद क्या नाम है टैक्सी का क्यों नहीं किराए बढ़ाए? ये सारे मुद्दे हैं, और केजरीवाल जी से निवेदन करते हैं हम, ये ऐसा मत समझो क्या नाम है ये भाई, मैं ऑटो वाले भी हमारे भाई हैं, लड़ाई ये हमारे आदेश के अनुसार ये सारी टीम्स खत्म करिए, और जब घबरा गई थी लोकसभा चुनावों के अंदर, यानी अभी दो मुद्दे की, एक तो जो मोटर व्हीकल एक्ट लागू है ये लागू ना करें, और टैक्सी के लिए डिम्स खत्म की जाए, टैक्सी की डिम्स खत्म, फीस है और किराए बढ़ाए जाए, और जो इतना करोड़ों रुपए डिम्स कंपनी ने ले लिया ऑटो रिक्शा वालों से वो पैसा वापस करो हमारा। आप ये बताओ 70,000 ऑटो के अंदर फरवरी से डिम्स वालों ने डबल ले लिए पैसे, 2850 रुपए लिए, ये क्या घपलेबाजी है भाई बताओ? ये घपलेबाजी तो नहीं है, क्यों लिया आपने एडवांस पैसे गरीब लोगों की जेब में से निकाल के? ये पैसा वापस दे केजरीवाल डिम्स कंपनी से, और आंदोलन चलेगा, मंडे को भी हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। केजरीवाल मंडे को भी आंदोलन करेंगे, और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो ट्रांसपोर्टर हैं ये भी, जो ऑटो ड्राइवर से ही नाराज हैं, इनका कहना है कि टैक्सी का भी किराया बढ़ना चाहिए और डिम्स वहां पर भी खत्म होनी चाहिए, नाराजगी बराबर है और सोमवार को भी लगातार चल सकती है अगर मांगे पूरी ना हुई तो। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है, एमवी एक्ट लागू करती है नहीं करती, जो भी होगा हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।